सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा देवेश। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा नया हेलमेट परचेज़ कर रहा हूँ अपने लिए, एंड क्यों मैंने अपना पुराना हेलमेट को रिप्लेस कर रहा हूँ, और उसमें ऐसा क्या था, क्या चीज़ की कमी थी, और जो मैं नया हेलमेट ले रहा हूँ उसमें ऐसा क्या खास है। तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये है मेरा नया हेलमेट का बॉक्स, एंड ये मैंने पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल से मंगाया है। तो इससे पहले भी मेरे पास एमटी हमर हेलमेट था, ब्लैक कलर का, ग्लॉस कलर का। एंड इस बार आप लोग देखिए एमटी का मैंने कौन सा मंगाया है। तो ये मैंने एक्चुअली ऑनलाइन मंगाया चेन्नई से, और ये मेरा बॉक्स आई थिंक मुझे 2 दिन के अंदर ही आ गया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा हेलमेट है। ये जो है रियल बॉक्स है एमटी का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एमटी का कोई भी आप हेलमेट लोगे ना, तो आपको इसी तरह का एक डब्बा आता है। अब मैं पहले देखता हूँ कि मुझे अंदर क्या मिला है। अच्छा, ये मुझे कीरिंग मिला है पावर स्पोर्ट्स की तरफ से। अच्छा कीरिंग है, पावर स्पोर्ट्स का ब्रांडिंग है इसमें। एंड उसके बाद मैं निकालता हूँ हेलमेट। तो ये रहा हेलमेट। तो यूजुअली एमटी के साथ क्या होता है ना, एमटी का आप हेलमेट जब भी लोगे ना, वो इसी तरह का बैग आपको मिलता है, जो आपका बास्केटबॉल टाइप का बैग होता है, जिसे बास्केटबॉल रखते हैं, उस टाइप का बैग मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नया हेलमेट, देखो आप लोग कैसा लग रहा है। ये इसका साइड व्यू है, ये इसका पीछे का व्यू है, एंड ये इसका फ्रंट का व्यू है। ठीक है, तो इस हेलमेट का नाम है एमटी थंडर 3 प्रो। तो ये हेलमेट एक्चुअली मैं ऑनलाइन देखा था, तो मुझे बहुत इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। और मुझे एमटी एक्चुअली ना, बाकी कितने भी हेलमेट्स हो, चाहे एक्सोर हो, चाहे एसएमके हो, चाहे LS2 हो, इस रेंज में मुझे एमटी के ही पसंद आते हैं यूजुअली ज़्यादा, क्योंकि एमटी का मेरे को लगता है थोड़ा मोर अपीलिंग टाइप का है, एंड एमटी का थोड़ा एक ब्रांड वैल्यू एक अच्छा है यहाँ पर। एंड प्लस इसका जो मटेरियल है ना, वो कुछ अलग ही मटेरियल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या है। पहला बात तो ये बना रहता है पॉलीकार्बोनेट सिलिकन हार्ड कोटेड मटेरियल से बना रहता है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड एक और बात, जैसे कि यूजुअली सब हेलमेट्स में तो आते ही हैं, बट इसमें क्या क्या चीज़ के ये सब है। देखो, डॉट सर्टिफाइड है, ईसी सर्टिफाइड है, R22.05, ठीक है, एंड आपका ISI सर्टिफाइड भी है। ISI सर्टिफाइड अगर आप लोगों को पता हो तो ISI होता है इंडियन सर्टिफाइड होता है, एंड दूसरा डॉट एंड ईसी जो होता है, तो आपका ईसी जो यूरोपियन सर्टिफाइड है, एंड डॉट आपका अमेरिकन सर्टिफाइड है। तो तीन जगह का सर्टिफिकेशन मिले रहता है। एंड इसका जो वेट है ना, वो वेट है अराउंड 1550 ग्राम। ठीक है, 1550 ग्राम वेट है इसका। इससे पहले जो मेरा हमर हेलमेट था, वो 1450 ग्राम था, मतलब 100 ग्राम कम था इससे। इस बार 100 ग्राम ज़्यादा है, क्योंकि इसका ना सेल साइज़ भी बड़ा है हमर हेलमेट से। ये मैं एस साइज़ मंगाया हूँ, क्योंकि मेरे को ना, मेरा पिछला हेलमेट भी एस साइज़ का था। मैं यूजुअली, मेरे को ना एम फिट आ जाता है, बट मैं एस साइज़ और इसलिए टाइट लेता हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप इस तरह का हेलमेट जब भी लोगे ना, तो अंदर का पैडिंग ना समय के साथ थोड़ा सा ऐसा ढीला होते जाता है। तो आपको अच्छा ये रहता है कि आप मतलब थोड़ा टाइट लो एकदम, ताकि एक समय के बाद आपको थोड़ा सा ढीला हो तो एकदम सही हो जाए। और मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि हेलमेट ऐसा लो कि भाई हमेशा मतलब टाइट ही होना चाहिए, मतलब ओवर टाइट नहीं बट टाइट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ढीला ढाला होना चाहिए, क्योंकि भाई ढीला होने से ही सबसे ज़्यादा आपको खतरा होता है सेफ्टी का, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं इसीलिए ये वाला लिया हूँ। तो ये वाला जो है मेरा थंडर 3 प्रो, ये ब्लैक में ग्लॉस कलर में मैंने लिया है, क्योंकि मेरा बाइक का जो कलर है वो कॉन्टिनेंटल GT मिस्टर क्लीन है, तो उसका क्रोम कलर है, तो मुझे ग्लॉस कलर ही लेना पड़ता है हर बार। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लॉस कलर ज़्यादा सूट करता है मेरे बाइक से, तो इसलिए मैंने ग्लॉस कलर लिया। बट हाँ, ग्लॉस में एक दिक्कत ये होता है कि आपको मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हमेशा होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है ग्लॉस है। मैट में क्या होता है कि उतना गंदगी दिखता नहीं, उतना स्क्रैचेस सब दिखता नहीं, इसमें या थोड़ा सा भी स्क्रैच और गंदगी दिखता है, तो मेंटेन करने में वो होता है। बट मैं यूजुअली, मेरा आदत है हेलमेट को तो मैं क्लीन ही रखता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखो, ये आपको जो है ट्रांसपेरेंट वाइजर मिलता है, ठीक है। तो आप लोग अगर देखो देखे होगा, अगर आप लोगों को आइडिया होगा, तो एमटी हेलमेट्स में ना, हमर हेलमेट्स में यहाँ से ओपन करने का वो रहता है, बट इस बार साइड से दिया गया है, जैसे एग्जॉस्ट समय होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से उठता है। एंड ये अपना ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर है। इसका क्या क्या खासियत है, ये खासियत ये है कि इसका ये एंटी स्क्रैच है, क्विक रिलीज है, एंटी स्क्रैच है एंड क्विक रिलीज किसको बोलते हैं, इसको क्विक रिलीज बोलते हैं इसको। एंड 2.2 थिकनेस लिखा हुआ है, एंड PC लेंस लिखा हुआ है इसमें। ये हेलमेट है डिज़ाइन बाय एमटी हेलमेट्स इन यूरोप। तो ये डिज़ाइन होता है यूरोप में, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये यूरोपियन हेलमेट ही है, बट ये बनता है इंडिया में, ठीक है, मेड इन इंडिया है। अभी इंडिया में बनने लगे, पहले ये इंडिया में नहीं बना करता था। तो एंड इसमें शार्प द हेलमेट सेफ्टी स्कीम रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है इसका।
एंड अपना विंड अंदर जाने के लिए यहां से है इनलेट, आप देखो आगे फ्रंट में है, और इस बार थोड़ा बढ़िया तरीके से, पहले जो आता था बाकी सब में तो उतना, जैसे आप प्रीमियम हेलमेट लेते जाओगे ना तो उस तरह इस तरह का आपको वेंड मिलेगा, ठीक है। तो आगे का वेंड ये वाला है, यहाँ से खुलता है, ठीक है। एंड फिर दूसरा वेंड है आपका यहाँ पर इस जगह पर, ऐसे ये वेंड क्लोज होता है, ऐसे ये वेंड ओपन होता है। देखो ये वाला जो है ना ऐसे ये खुलेगा एंड ऐसे ये बंद होगा, तो एंड इधर से भी आपका हवा निकलने का रहता है, ठीक है, स्पॉइलर के अंदर से, ठीक है। और इसका जो सबसे खास बात मुझे हेलमेट का लगता है वो है कि इसका स्पॉइलर आप देखो यार पीछे से, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का स्पॉइलर है, ठीक है, बहुत मस्त लगा था मेरे को स्पॉइलर। तो ये वाला उसका खासियत है, मेरे पिछले हेलमेट में ना ये वाला नहीं मिला था मुझे। ये देखिए इस तरह का जो सनग्लासेस होता है ना, ये सनग्लास ये नहीं मिला था, इस बार मुझे इस हेलमेट में मिल रहा है। एंड सनग्लास का ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ से होता है इस साइड से, आप देखो ये हो गया बंद हो गया, सॉरी एंड ये खुल गया, ठीक है। अब मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि ये यूवी यूवी से प्रोटेक्शन देता है, फास्ट डार्क मोड है, एंटी स्क्रैच है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है। तो ये ना बहुत खास बात इसमें क्या रहता है, सपोज करो आप कभी धूप पे जा रहे हो ना तो इसको आप गिरा दो और ऊपर वाले को भी गिरा दो, तो एटलीस्ट धूप नहीं आएगा आपको मुंह पर, वो अच्छा रहता है। एंड अंदर से लुक भी बहुत बढ़िया देता है, जैसे कि अगर आप बाहर से आप कलर्ड वाइजर नहीं लगाते हो तो ये वाला वाइजर से भी काम चल सकता है। अब आते हैं इसका पैडिंग के ऊपर, तो इसका पैडिंग रिलेटिवली बहुत बेटर कर दिया गया पहले से, क्योंकि मेरे पास, मैं फिर से वही बोलूंगा कि मेरे पास हमर हेलमेट था तो उसमें ना पैडिंग जो था थोड़ा ठीक था, बट ये क्या है कि और बेटर है। आप इसका पैडिंग देखो कितना मस्त है, इसका पैडिंग बहुत तगड़ा है। एंड प्लस इसका पैडिंग एक तो बहुत ज़्यादा कुशन है अंदर में, एंड ये भी क्या है, ये भी डिटैचेबल होता है कि अगर आप कभी भी क्या होता है अगर भींग गया हेलमेट या फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो सब कुछ सारा पैडिंग सब निकाल के अलग से धो के सुखा के वापस से डाल सकते हो। ऐसे तो ये फैसिलिटी सब हेलमेट्स में होता है, तो वो एक फैसिलिटी। एंड इस बार एक और नया मतलब इस हेलमेट में चेंज आया, क्योंकि एमटी के यूजुअली कम दाम वाले जो हेलमेट्स रहते हैं ना हमर वगैरह सब में, उसमें ना वो डायरेक्ट वाले लॉक होते हैं, जो नहीं होते हैं मतलब उसको नॉर्मल लॉक बोलते हैं, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ इसमें क्या मिला है, इसमें डबल डी रिंग लॉक मिला है। ये देखिए आप ये वाला डबल डी रिंग लॉक, ठीक है। तो ये डबल डी रिंग लॉक का क्या फ़ायदा होता है, डबल डी रिंग लॉक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये यूजुअली आप कोई ट्रैक में जब रेसिंग का बाइक्स होता है ना तो उसमें डबल डीरिंग लॉक्स ही होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सेफर बोला जाता है, क्योंकि इसका ये ऐसा टाइट रहता है कि जल्दी खुलेगा नहीं, ठीक है, उसके लिए ये चीज़ बढ़िया है। एंड हाँ इस बार देखो यहाँ पर भी जो होता है अपना चेन चेन के पास में बढ़िया पैडिंग है, तो यहाँ पर भी प्रोटेक्शन मिलता है, एंड आपको यहाँ पर भी प्रोटेक्शन मिलता है। ये वाला देखो ये चीज़ जो है नोज़ के प्रोटेक्शन के लिए रहता है। एंड इसमें साथ में ना दो स्टिकर मिलता है बस, कुछ उतना एक्सेसरीज में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, मैं यही बोलूँगा। तो अब मैं थोड़ा इसको पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है मेरे में। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये मेरे ऊपर, मैं आपको साइड से लुक दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा साइड का लुक, ये रहा फ्रंट का लुक, ठीक है, एंड ये रहा बैक का लुक। तो अब मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। तो ये तो मुझे हेलमेट तो वैसे बहुत पसंद था, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यही हेलमेट खरीदूंगा, क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैं इससे पहले सबसे पहला मेरा हेलमेट एक्सोर का था, एपेक्स का था, बट उसको चेंज करके मैं एमटी हमर में आया, और एमटी हमर के बाद मैं एमटी थंडर पे आया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एमटी में जब से घुसा हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि एमटी फार बेटर है बाकी सबसे। हाँ फ्रेंड्स, तो अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ये पिन लॉक रेडी रेडी सिस्टम है, तो आगे आपका वो वाला इसमें फिल्म नहीं लगा हुआ है जिससे आपका फॉगी वेदर में काम आता है, तो वो फिल्म आपको अलग से खरीदना पड़ता है, उसका भी आई थिंक मुझे 1800-2000 रुपये दाम है, तो वो मैं अभी तो नहीं लगा रहा हूँ। तो चलिए अब इतना कुछ हो ही गया है, तो अपना हेलमेट का जो मोस्ट सेटिस्फाइंग चीज़ होता है ये इसको हटाया जाए और देखते हैं कैसा लगता है। क्या लग रहा है हेलमेट, जबरदस्त। ये देखो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, ठीक है, गजब सूट करेगा मेरे जीटी में विद द फिनिश इट्स हैविंग। और तो
तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ये जरूर जानना चाहोगे कि इस हेलमेट का आखिर प्राइस क्या है। तो इस हेलमेट का प्राइस 6600 है एमआरपी, एंड उसी प्राइस में ही मैंने खरीदा है इसको पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल से। सो अब मैं आप लोगों को सिनेमैटिक दिखाता हूँ कि हेलमेट कैसा है। तो आप लोग सिनेमैटिक देखो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। Out. If your enemy's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big. तो हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो कलर वाइजर आता है ना, उसका भी प्राइस अराउंड 1200-1300 के करीब होता है। वो भी मैं लेने का सोच रहा हूँ, कुछ समय के बाद उसको लूँगा, क्योंकि ना वो ना वीडियोग्राफी में सही लगता है वैसे, रील्स वगैरह वीडियो बनाने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।